हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मनोराज एपेटाइजिंग रेसिपीज़। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक बढ़िया सी मज़ेदार वाइट कॉर्न पास्ता की रेसिपी। तो चलिए बिना देरी करे हम शुरू करते हैं वाइट कॉर्न पास्ता बनाना। लेकिन अभी तक जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी क्लिक कर दे ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए सबसे पहले हम पास्ता को बॉईल कर लेते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर उबलते हुए पानी में अपने पास्ता को डाला है। यहाँ पे आप जो भी शेप चाहें उस शेप का पास्ता इस्तेमाल कर सकते हैं और उसे नमक के साथ में अच्छे से बॉईल होने, सॉफ्ट होने तक उसको बॉईल करते हैं। पास्ता को आप बीच बीच में हिलाते रहिएगा वरना वो नीचे चिपक सकता है। देखिए हमारा पास्ता कैसे फूल गया है और अच्छी तरह से पक गया है। अब मैं इसका पानी अलग कर लूँगी। अब चलिए सीधे बघार लगा देते हैं। यहाँ मैंने चॉपिंग नहीं बताई है, आपको यहाँ पर चॉपिंग बिल्कुल फाइन करनी है। छोटे छोटे क्यूब्स में आपको सब्जियों को काटना है। कौन कौन सी सब्जियाँ डालेगी वो अभी हम आगे बघार के लगाते समय देखेंगे। सबसे पहले मैंने एक बड़ा चम्मच तेल में कटी हुई लहसुन डाली है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी हरी मिर्ची। इन्हें ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, हल्का सा पकने के बाद अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज। ना ज़्यादा बारीक काटा है मैंने प्याज को और ना ही ज़्यादा मोटा। अब इसके बाद डाला है इसमें हमने गाजर। गाजर को भी मैंने ना ज़्यादा बारीक काटी है और ना ज़्यादा मोटा काटा है। अब हम इसमें डालेंगे शिमला मिर्च। शिमला मिर्च को भी मैंने उसी साइज़ में काटा है जिस साइज़ में प्याज और गाजर को काटा था। हम इन सब्जियों को थोड़ा सा हिला लेंगे ताकि ये जले ना। जैसा कि हम कॉर्न वाइट पास्ता बना रहे हैं तो अब मैं इसमें लगभग एक कटोरी के करीब उबला हुआ भुट्टा डाल रही हूँ। इस भुट्टे को भी हम हमारी सब्जियों के साथ में अच्छी तरह से पका लेते हैं। वैसे तो हम यहाँ पे उबला हुआ भुट्टा इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन जब वो थोड़ा सा तेल में अच्छी तरह से फ्राई हो जाता है तो वो और भी अच्छा टेस्ट देता है। सब्जियों के हल्का पकने तक हम बार बार इसे हिला हिला के थोड़ी देर तक पका लेते हैं। जब हमारी सब्जियाँ थोड़ी सी पक जाएंगी, थोड़ी सी कच्ची रहे तो ज़्यादा अच्छी लगती हैं, तो इनमें थोड़ा सा कच्चापन रहने दीजिए। उसके बाद अब हम डाल रहे हैं इसमें मेयोनीज, वाइट मेयोनीज। अच्छी तरह से मेयोनीज डालने के बाद अब हम इसको अच्छी तरह से हिला लेते हैं। अब हम इसमें डाल देते हैं हमारा उबला हुआ पास्ता। पास्ता डालने के बाद अब हम इसे अच्छी तरह से मिला लेते हैं ताकि हमारी सब्जियां, मेयोनीज और पास्ता अच्छी तरह से एक साथ हो जाए। सब्जियां और मेयोनीज के मिक्स हो जाने के बाद अब हम इसमें डालेंगे लगभग आधी कटोरी के करीब पानी। आपका पास्ता यदि ज़्यादा ड्राई हो रहा है तो आप इसमें पानी डाल सकते हैं, नहीं हो रहा है तो नहीं डालिएगा। और आधा चम्मच के करीब नमक। नमक को डालते वक्त ये ध्यान रखिएगा कि हमने पास्ता को उबालते वक्त भी इसमें नमक डाला था, तो हमने जो सब्जियां ऐड करी है और जो मेयोनीज इसमें डाला है उसके हिसाब से नमक डालिएगा और पानी भी जितना पतला गाढ़ा आप अपने पास्ता को रखना चाहते हैं उस हिसाब से ही डालिएगा। लीजिए अब अच्छी तरह से मिक्स करने पर हमारा पास्ता बनकर रेडी हो गया है, वाइट कॉर्न पास्ता। अब हम इसको एक प्लेट में सर्व करते हैं। अब हम इसमें हमारा पास्ता सीजनिंग डालेंगे और रेड चिली फ्लेक्स डालेंगे और हमारा पास्ता हो जाता है रेडी। तो दोस्तों आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को ये रेसिपी भी शेयर करके उनसे भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलिएगा। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपसे फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा, टाटा, बाय बाय।